नमस्ते किशन लाल जी, नमस्ते। अरे भाई, वहाँ नहीं चलना है। कहाँ? प्रयागराज। क्यों? वहाँ पे प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ है, 15 जनवरी से 4 मार्च तक का, शिवरात्रि तक। वहाँ पे स्नान करना बहुत ही ज़रूरी है, तो चलिए, हम तो तैयार हैं। तो कब जा रहे हो राम अवतार जी? मैं तो कल ही जाने के लिए तैयारी कर रखा हूँ। आप अगर चलना चाहते हो तो चलिए, मैं साथ ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, जब आप चल रहे हो कल तो हम भी चलते हैं, क्योंकि वहाँ जाना भी ज़रूरी है। एक आस्था बना हुआ है लोगों का, लाखों लाखों की संख्या में वहाँ स्नान कर रहे हैं डेली, तो ज़रूर कुछ खास बात है जी। तो चलिए, वहाँ पर दूर दराज के लोग, अपना देश के लोग करोड़ों की संख्या में डेली पहुँच रहे हैं उत्तर प्रदेश प्रयाग में। ज़रूर ज़रूर, जब देश विदेश के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं तो हम सब ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि पर्यटक बहुत ही भीड़ लगा रखे हैं, देश विदेश के लोग। उन्हें भी चलेंगे, दर्शन करेंगे, उनके मेहमानों से भी मिलेंगे। जी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तैयारी कर लो, कल चलना है 10 बजे सुबह। ठीक है दोस्त, हम भी सब परिवार चलेंगे, 10 बजे हम यहाँ से निकल लेंगे। ठीक है ठीक है, चलो किशन लाल, दिल्ली टू प्रयागराज। जी, थोड़ा सा वहाँ के बारे में बताओ, क्या क्या ले चलना है वहाँ पे। एक कंबल ले लो, और मूंगफली का दाना ले लेना, नमकीन ले लेना, थोड़ी सी काजू वगैरह ले लेना, मिठाइयाँ ले लेना, रास्ते में खाते हुए चलेंगे जी। ये सब तो लेंगे ही, और बताइए खास कोई जी। वहाँ पर उत्तर प्रदेश के सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी जो हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं वहाँ रहने का, खाने का, और जो है लाइट वगैरह एकदम, आपको प्रयागराज चमकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो चलो थोड़ा चमक देख के आते हैं प्रयागराज का कैसा है। इस समय तो भीड़ इतना लगा है ट्रेनों में, स्टेशनों पे, कि बहुत ज़्यादा। ठीक, हमारे पास रिजर्वेशन है, आप भी उसमें बैठ जाना, वेटिंग टिकट लेके। ठीक है, तो चलो, हम आपसे कहना चाहते हैं, सभी देशवासियों से, यहाँ तक कि हमारे जो विदेशी सैलानी हैं, विदेशी पर्यटक हैं, वो भी बड़े जोर शोर से भारत आ रहे हैं, प्रयागराज का दर्शन करने आ रहे हैं टूरिस्ट के रूप में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी प्लानिंग बनाइए और लगातार जो है आप पहुँचिए वहाँ पर, क्योंकि 15 जनवरी से 4 मार्च तक मेले के साथ चलेगा। और मेरा आपसे विनती है कि आप जरूर से ज़रूर और उत्तर प्रदेश के योगी जी के सपनों को साकार करें, और मोदी जी के भी सपनों को साकार करें। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।